उल्लासनगर शहर में आज 24 मार्च के दिन कोरोना के नए 71 मामले सामने आए हैं। इसी के साथ शहर में कुल कोरोना मरीजों की संख्या 12,926 पहुंच चुकी है। वहीं आज 32 लोगों को डिस्चार्ज दिया गया है। इसी के साथ अब तक कोरोना मुक्त हुए लोगों की संख्या 11,760 पहुंच चुकी है। वहीं कोरोना की वजह से अब तक मरने वालों की संख्या 376 हो चुकी है। इस समय शहर के 790 मरीज एक्टिव हैं, जिनमें से कोविड केयर सेंटर में 151, डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर में 107, डेडिकेटेड कोविड अस्पताल में 54, होम आइसोलेशन में 257 व उल्लासनगर उनपा क्षेत्र के बाहर 221 लोगों का इलाज चल रहा है। आज जिन 71 मामलों की जानकारी हमें मिली है, उनमें कैंप नंबर 1 से 9 मामले शामिल हैं, जिसमें रॉयल रेसिडेंसी परिसर से 2, दुनीचंद कालानी कॉलेज के पास परिसर से 2, रतन गार्डन के पास परिसर से 1, गोल मैदान के पास परिसर से 2, कमला नेहरू नगर के पास परिसर से 1 व कैंप नंबर 1 का एक और मामला बताया जा रहा है। वहीं कैंप नंबर 2 से आज 9 मामले सामने आए हैं, जिसमें झूलेलाल मंदिर के पास परिसर से 1, गंगा सागर परिसर से 3, कैलाश कॉम्प्लेक्स परिसर से 1, अमन टाकिस के पास परिसर से 1, आज़ाद नगर परिसर से 2, झूलेलाल स्कूल के पास परिसर से 1 मामला बताया जा रहा है। वहीं कैंप नंबर 3 से आज 25 मामले सामने आए हैं, जिसमें रामायण नगर परिसर से 1, मनीष नगर परिसर से 1, महात्मा फुले नगर परिसर से 2, फॉरवर्ड लाइन परिसर से 1, शांति नगर परिसर से 2, सम्राट अशोक नगर परिसर से 1, राहुल नगर परिसर से 1, गजानन नगर के पास परिसर से 1, रामायण नगर का एक और मामला बताया जा रहा है। वहीं ओटी सेक्शन परिसर से 3, हॉस्पिटल एरिया परिसर से 2, सपना गार्डन के पास परिसर से 2, संतू बिल्डिंग के पास परिसर से 1, गोरखा चाल परिसर से 1, चोपरा कोर्ट के पास परिसर से 2, ममता नगर परिसर से 1, 18 सेक्शन परिसर से 1, शिवाजी चौक के पास परिसर से 1 मामला बताया जा रहा है। वहीं कैंप नंबर 4 से आज 19 मामले सामने आए हैं, जिसमें लालचक्की परिसर से 2, शिवसेना शाखा के पास परिसर से 2, सुभाष टेकड़ी परिसर से 6, आरटी अपार्टमेंट परिसर से 1, 25 सेक्शन परिसर से 3, वीटीसी के पास परिसर से 1, 29 सेक्शन परिसर से 1, संभाजी चौक के पास परिसर से 1, अंबिका मित्र मंडल के पास परिसर से 1, 32 सेक्शन परिसर से 1 मामला बताया जा रहा है। वहीं कैंप नंबर 5 से आज 7 मामले सामने आए हैं, जिसमें वसंत शाह दरबार परिसर से 1, प्रभात गार्डन परिसर से 3, 38 सेक्शन परिसर से 1, कैलाश कॉलोनी परिसर से 1, भाटिया हॉस्पिटल के पास परिसर से 1 व शहर के अन्य 2 मामले बताए जा रहे हैं। टाउन दर्शन इसी तरह से रोज़ आपको अपडेट देता रहेगा। ये अपडेट जानने के लिए जल्द से जल्द टाउन दर्शन न्यूज़ को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार।